वेलकम बैक। आज हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? अब अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, जॉबलेसनेस, लोगों के पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है। इस सिचुएशन को बोलते हैं अनएम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयमेंट ये पर्टिकुलर सिचुएशन कब अराइज होती है कंट्री में? जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जिस स्पीड में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है कंट्री में, उतने स्पीड में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हो रही है, जिसके वजह से लोगों के पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है। अगर लोगों के पास जॉब नहीं होगा तो वो खुद का लाइवलीहुड अर्न नहीं कर पाएंगे, खुद की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे, अपनी फैमिली की नीड्स सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। जब लोग खुद की ही ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं, अपनी फैमिली की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, मतलब वो कंट्री को भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, ना ही तो फिनेंशियली ना ही तो इकोनॉमिकली। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो प्रोग्रेस हो रही है कंट्री की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रहा है, वो प्रोसेस जो है वो काफ़ी स्लो हो जाएगा। और ये सिचुएशन किस वजह से अराइज हो रहा है? ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये काफ़ी बड़ा मेजर और सीरियस प्रॉब्लम है हर एक डेवलपिंग कंट्री के लिए। और क्योंकि इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी बड़ी और सीरियस प्रॉब्लम है और एक बहुत बड़ा चैलेंज है कंट्री के लिए। ऑलराइट, सो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, लेट्स बिगिन। इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। जब से हमने इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में ये हम स्टडी करते ही हैं कि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग कंट्री है, अभी तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई है। वेयर एज इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है, दैट इज़ जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उनमें से सबसे फास्टेस्ट अगर कोई कंट्री ग्रो कर रही है तो वो है इंडिया। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट चैलेंज टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया। लेकिन इंडिया का ये जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा हर्डल है डेवलपमेंट के स्टेज तक पहुँचने के लिए, वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ऑलराइट, ये सबसे बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि फेस करना है कंट्री को। अगर कंट्री को डेवलपमेंट के स्टेज तक पहुंचना है तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, तो कंट्री जो है वो डेवलपमेंट के स्टेज तक पहुँच पाएगी। फिगर 7.1 गिव्स एन आइडिया अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब ये जो फिगर है 7.1, ये जो डायग्राम है, इससे हमें पता चलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो कितनी बड़ी और मेजर प्रॉब्लम है कंट्री में। दैट इज़, अगर ग्रीन साइड हम देखते हैं तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास रोजगार है, अर्न कर रहे हैं। और अगर रेड साइड हम देखते हैं तो ये बेरोजगार है, मतलब अनएम्प्लॉयड है, इनके पास क्वालिफिकेशंस तो है, देख रहे हैं हम, डिग्रीज हैं हाथ में, मगर रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। तो कितना बड़ा और मेजर प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट का। ऑलराइट, सो आगे देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या हो रहा है, बेरोजगारी की वजह से क्या हो रहा है, जो ह्यूमन रिसोर्स है उनका वेस्टेज हो रहा है। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कंट्री में सबसे बड़ा रिसोर्सेस है। दैट इज़, अगर किसी कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उस कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स सबसे स्ट्रांग है, लेबर फोर्स सबसे स्ट्रांग है। लेकिन अगर उन्हीं के पास रोजगार नहीं होगा, काम नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी, घर पे वो ऐसे ही आइडियल बैठे रहेंगे, खाली बैठे रहेंगे, मतलब कंट्री का जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो सबसे बड़ा स्ट्रांग रिसोर्सेस है, वो ऐसे ही वेस्ट हो रहा है। ऑलराइट, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार बैठे हैं, मतलब खाली बैठे हैं, तो रिसोर्सेस वेस्ट हो रहा है, ह्यूमन बींग्स की जो काबिलियत है, जो कैपेबिलिटी है, वो वेस्ट हो रही है, वो यूज़ में नहीं आ रही है, कंट्री को किसी भी तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं ह्यूमन बींग्स। तो ये क्या है, वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट्स इन मास पॉवर्टी एंड स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और अगर इसी तरीके से अगर लंबे समय तक लोगों के पास नौकरी नहीं होगी, लोग बेरोजगार रहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अगर चलता रहेगा ऐसे ही कंट्री में, तो इसके वजह से मास पॉवर्टी होगी, मतलब लोग बहुत गरीब जो होंगे, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीब होते जाएंगे। अगर लोग गरीब होते जाएंगे, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आज हो रहा है जल्दी, ज़्यादा फास्ट जो हो रहा है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी स्लो हो जाएगा ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। मोस्टली यंग पीपल फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की अगर कोई प्रॉब्लम फेस करता है तो वो होते हैं यंग पीपल, यंग जनरेशन, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो नौकरी नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। और जो ओल्डर जनरेशन है, बुजुर्ग हैं,
वो भी काम नहीं कर सकते, तो जो यंग पॉपुलेशन है, जो यंग जनरेशन है, वही काम कर सकते हैं, उनके पास ही उतनी कैपेबिलिटी और काबिलियत होती है काम करने की, नौकरी करने की, मगर उनके पास ही काम नहीं है, रोजगार नहीं है, खाली बैठे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यंग पीपल के लिए ही है, और इंडिया क्या है, ये यंग जनरेशन है, यंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इंडिया में है, और इसी वजह से इंडिया को सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट का है। यंग पीपल आर दी मेजर ह्यूमन रिसोर्स की एजेंट फॉर सोशल चेंज एंड ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज। अब यंग पीपल जो है, जो यंग जनरेशन है, वो सबसे बड़ा और मेजर ह्यूमन रिसोर्स है, ऑल राइट, दैट इज की एजेंट कहा गया है इनको, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर सोसाइटी को चेंज करना है तो यंग पीपल, यंग जनरेशन सबसे बड़ा हेल्प कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर चेंज लेके आने के लिए, ना ही तो सोसाइटी के अंदर वो चेंज लेकर आ सकते हैं, लेकिन कंट्री को इकोनॉमिकली डेवलप बनाने के लिए, कंट्री को इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए भी हेल्प कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस लेकर आ सकते हैं। जो यंग जनरेशन है, जो यंग पॉपुलेशन है, उनके पास उतनी स्किल्स होती हैं, उतनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, वो कोई भी चीज़ जल्दी से सीख लेते हैं, अडाप्ट कर लेते हैं, तो वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हैं, इनोवेशंस जो हैं, वो भी जल्दी सीख सकते हैं, डिस्कवरीज कर सकते हैं, नए नए खोज कर सकते हैं, इनोवेशंस लेके आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब लोगों के पास रोज़गार होगा, नौकरी होगी, और यंग जनरेशन जो है, यंग पीपल जो है, वो बहुत बड़ा और मेजर ह्यूमन रिसोर्स है किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट के स्टेज तक लेकर जाने के लिए। यंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है यहाँ पे, मगर क्या है, उनके पास रोज़गार होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। इंडिया हैज़ कंसिडरेबल यंग पॉपुलेशन, हैंस अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ इज़ द मोस्ट क्रिटिकल चैलेंज ऑफ द 21st century। और इंडिया क्या है, ये यंग पॉपुलेशन वाली कंट्री है, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर है किसी एज ग्रुप का तो वो है यंग पॉपुलेशन। बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनकी पॉपुलेशन कम है, और जो बुज़ुर्ग है, जो ओल्ड एज हैं, वैसी पॉपुलेशन भी कम है इंडिया में। सबसे ज़्यादा अगर किसी का पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा अगर कोई एज ग्रुप है, तो वो है यंग पॉपुलेशन, जो लोग नौकरी कर सकते हैं, जो लोग काम कर सकते हैं, लेकिन उनके पास ही काम नहीं है, नौकरी नहीं है, पढ़ लिख कर बैठे हैं ऐसे ही, दैट इज़ डिग्रीज़ हैं, क्वालिफिकेशन तो है, बट जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, अनएम्प्लॉयड है। तो ये सबसे बड़ा एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है, क्रिटिकल चैलेंज है जो कंट्री को आज फेस करना है, और 21st century का सबसे बड़ा चैलेंज है कंट्री का, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। देर इज़ एन इम्बैलेंस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब कंट्री के अंदर इम्बैलेंस बना हुआ है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के बीच में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, काफ़ी स्पीड में पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, लेकिन उतने स्पीड में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट नहीं हो रही है, लोगों के पास जॉब नहीं आ रही है, जिसके वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। दिस हैज़ रिजल्टेड इन लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके वजह से कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का जो पर्टिकुलर सिचुएशन है वो अराइज हो गया है। दैट इज़ जिस स्पीड में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उतने स्पीड में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं हो रही है, विच रिजल्ट्स इन लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। सो जनरली अनएम्प्लॉयड पीपल आर इन्वॉल्व इन अनप्रोडक्टिव वर्क लाइक गैम्बलिंग एंड इंडल्ज इन एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। तो इसके वजह से क्या हुआ है, अनएम्प्लॉयड पीपल, जो लोग जिनके पास रोजगार नहीं है, वो अनप्रोडक्टिव वर्क्स, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं, जैसे कि गैम्बलिंग हो गया, गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ खेलना, ये इलीगल काम है, ऑलराइट, एंड इंडल्ज इन एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे काम के लिए, ऐसे काम में वो इन्वॉल्व हो गए जो कि सोसाइटी के लिए गलत है, सोसाइटी को वो हार्म कर सकता है और पूरे के पूरे कंट्री को भी हार्म कर सकता है। ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ में आजकल की यंग जनरेशन जो हैं वो इन्वॉल्व हो गई हैं, बिकॉज यंग जनरेशन जो हैं उनका ब्रेन वॉश करना बहुत ज़्यादा ईजी है, अगर उनको कुछ पैसे दे दो तो वो गलत काम करने के लिए भी आज रेडी हो जाते हैं। तो सोशल, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे हैं ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए हैं, टेररिज्म में आजकल जाने लगे हैं। ये सब क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पैसे नहीं है, तो अगर कोई उनको पैसे देकर उनका ब्रेन वॉश करके कुछ गलत काम करने को बोलता भी है तो लोग पीछे नहीं हटते, ऑलराइट। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कंट्री में, विच इज़ अराइजिंग ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, ऑलराइट। तो ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन था अनएम्प्लॉयमेंट का। नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नॉर्मली एनीवन हु इज़ नॉट गेनफुली एम्प्लॉयड इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी इज सेट टू बी अनएम्प्लॉयड। तो अब अनएम्प्लॉयड किसको बोला जाता है, मतलब बेरोजगार कौन से सिचुएशन है, ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें हम बेरोजगार कह सकते हैं। तो कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो कि एम्प्लॉयड है, मतलब अगर कोई काम कर रहा है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है,
लेकिन उसको उसके लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, कुछ गेनफुल नहीं मिल रहा है। मतलब अगर हम कहीं किसी के लिए काम करते हैं लेकिन बदले में वो हमें पैसे नहीं देता, तो इसका मतलब क्या हम एम्प्लॉयड हैं? नहीं, उस सिचुएशन को भी बोला जाएगा अनएम्प्लॉयड, हम उसको एम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे। मतलब सामने से कुछ गेनफुल मिलना चाहिए, कुछ प्रॉफिटेबल मिलना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए, तो ही हम उसको एम्प्लॉयड कंसीडर करेंगे। कुछ काम करते हैं लेकिन उसके बदले में पैसे नहीं मिलते, तो वो सिचुएशन भी क्या हो गई अनएम्प्लॉयमेंट की। इन इकोनॉमिक्स अनएम्प्लॉयमेंट इज टू बी स्टडीड विद रिस्पेक्ट टू। अब इकोनॉमिक्स में अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव है, बहुत सारे सिचुएशंस है जिसके पर्सपेक्टिव से हम अनएम्प्लॉयमेंट के लिए स्टडी करने वाले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी करेंगे, जिसमें वेरी फर्स्ट इज नेचर, देन वर्किंग एज ग्रुप, डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, द प्रिवेलिंग वेज रेट। तो ये चार अलग अलग पर्सपेक्टिव है जिससे हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट फास्ट इनफ टू जनरेट एडुकेट जॉब टू एब्जॉर्ब द एक्सपांडिंग लेबर फोर्स। सो इसका मतलब क्या है, जिस स्पीड में कंट्री में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उतने स्पीड में कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, दैट इज कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो है और पॉपुलेशन काफ़ी फास्ट स्पीड में इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से ज़्यादा जॉब जो है वो जनरेट नहीं हो पा रही है, एडुकेट जॉब्स नहीं है, जितना लेबर है, जितने लोग हैं, जितनी पॉपुलेशन है, उतना जॉब नहीं है, जिसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कंट्री में अराइज हो रही है। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 ईयर्स आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट बट अनेबल टू गेट अ जॉब। अब अनएम्प्लॉयमेंट ये सिचुएशन कब अराइज होती है, किस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, तो एज ग्रुप ऑफ 15 to 59, मतलब 15 से लेके 59 ईयर्स तक के जो एज ग्रुप है, ऐसे एज ग्रुप के जो लोग हैं वो काम कर सकते हैं, क्योंकि ये यंग पॉपुलेशन है, यंग जनरेशन है, ये लोग काम करने की काबिलियत है इनमें। आर एबल टू एंड विलिंग टू वर्क, मतलब वो करना भी चाहते हैं, उनके पास कैपेबिलिटी भी है और उनके पास इच्छा भी है काम करने की, और जितना उनको पैसा मिलेगा, वेज रेट मतलब जितने सैलरी मिलेगी उतने सैलरी पे वो काम करने के लिए रेडी हैं, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ऑलराइट, फॉर अ पर्सन टू बी कंसिडर्ड एम्प्लॉयड इट इज़ एसेंशियल दैट अ पर्सन शुड बी एंगेज इन वर्क फॉर मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स पर वीक। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को हमें एम्प्लॉयड कंसीडर करना है, रोजगार उसके पास है, अगर ये समझना है, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर पर्सन को, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हफ्ते में कम से कम कितने घंटों के लिए काम करना है वो ज़रूरी है। मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स पर वीक, मतलब एक पर्सन को हफ्ते में इतना घंटा अगर वो काम कर रहा है तो उसे हम एम्प्लॉयड कंसीडर करेंगे, नहीं तो वो पर्सन अनएम्प्लॉयड कंसीडर किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, तब यहाँ पे नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है NSSO, उन्होंने बताया है कि कितना घंटा कम से कम के एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को हफ्ते में काम करना है तो ही वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो एम्प्लॉयड कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज वो अनएम्प्लॉयड ही कंसिडर किया जाएगा। लेट्स सी, इसमें फर्स्ट पॉइंट इज इन इंडिया अ पर्सन इज कंसिडर्ड अनएम्प्लॉयड इफ़ ही वर्क्स फॉर लेस देन 14 आवर्स पर वीक। मतलब अगर इंडिया में कोई पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है जो हफ्ते में 14 घंटा 14 आवर्स से कम काम करता है अगर एक हफ्ते में, तो उस पर्सन को, उस इंडिविजुअल को हम अनएम्प्लॉयड ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट इज Those who work for 15 to 28 hours a week are considered as underemployed। और कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसके पास रोजगार है, काम करता है, लेकिन एक हफ्ते में सिर्फ 15 से 28 घंटों के लिए वो काम कर रहा है, दैट इज 15 to 28 hours अगर वो काम करता है एक हफ्ते में, इसका मतलब वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल अंडरएम्प्लॉयड है। अंडरएम्प्लॉयड का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जितना उसका क्षमता है, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, उससे कम उसको काम मिल रहा है, वो काम ज़्यादा कर सकता है लेकिन उसकी कैपेबिलिटी से कम अगर उसको काम मिलता है, उस सिचुएशन को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयड। कैपेबिलिटी से कम काम मिलना है तो मतलब वो क्या है, अंडर एम्प्लॉयड, उसकी पूरी कैपेबिलिटी का यूज़ नहीं किया जा रहा है, रिसोर्सेज जो है ह्यूमन बींग का, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स जो है वो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया है, उसकी जो कैपेबिलिटी है वो वेस्ट हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयड। अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल 15 to 28 आवर्स वीक अगर वो काम करता है तो वो अंडर एम्प्लॉयड है, पूरी तरीके से एम्प्लॉयड नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पर्सन वर्किंग फॉर 8 आवर्स पर डे, दैट इज
273 डेज ऑफ अ ईयर इज कंसीडर्ड एम्प्लॉयड ऑन अ स्टैंडर्ड बेसिस। अब कौन से इंडिविजुअल को हम पूरी तरीके से एम्प्लॉयड कंसीडर करते हैं? ऐसा पर्सन, ऐसा इंडिविजुअल जो एक दिन में 8 घंटे काम करता है पूरी तरीके से, मतलब साल में पूरे के पूरे एक साल में वो 273 डेज अगर वो काम करता है तो उस पर्सन को हम एम्प्लॉयड कंसीडर करेंगे। ऑलराइट, तो ये तीन अलग अलग सिचुएशंस है जिससे हमें समझ में आता है कि कौन सा पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो अनएम्प्लॉयड है, कौन अंडर एम्प्लॉयड है और कौन एम्प्लॉयड है। तो अनएम्प्लॉयड कौन है? जो हफ्ते में 14 घंटे से कम के लिए काम करता है वो अनएम्प्लॉयड है, और जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक हफ्ते में 15 to 28 आवर्स अगर वो काम करता है तो वो अंडर एम्प्लॉयड है, मतलब उसकी कैपेबिलिटीज से कम काम वो कर रहा है, मतलब वो अंडर एम्प्लॉयड है। और कोई पर्टिकुलर पर्सन जो एक दिन में 8 घंटा काम करता है और साल में 273 डेज वो पूरा काम कर रहा है, इसका मतलब वो पूरी तरीके से एम्प्लॉयड है। ऑलराइट, सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा, दैट इज मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा टॉपिक जो था वो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कवर किया इस चैप्टर का एंड मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर था वो समझ में आया होगा इस वीडियो का। नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। All right, so thank you for your time.